हुई। ये देखें दोस्तों, ये नुकसान हुआ पड़ा यार। इसको जंगली चूहा बोलते हैं। तो ये बेचारा यहाँ पर मरा हुआ है। इसके ऊपर गुजरी तो कोई चीज़ नहीं है, कोई नीचे नहीं देकर गई कि कुचल दिया हो। नहीं दोस्तों, ये खुद ही मरा पड़ा है। इसको कोई चीज़ ने मारा होगा या भूख से बेचारा मर गया होगा, पता नहीं क्या हुआ इसके साथ। तो मैं जा रहा था रास्ते में, वो देखें वो बाइक खड़ी हुई है मेरी, तो मैंने देखा, काफ़ी दुख लगा दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी आप सब की दुआ से बिल्कुल ठीक हूं और खैरियत से हूं। सुबह सुबह का टाइम है, 7:35 हो चुके हैं। तो अभी अभी मैं आया हूं अपने सेटअप पर, तो काम स्टार्ट करते हैं। आज का कंटेंट हमारा और है, ये नहीं बोलना यार के दूसरा तीसरा दिन है कि एक ही कंटेंट दिखा रहा है रमज़ान भाई। आज की वीडियो में दोस्तों क्या करना है कि मैं बाद में बताता हूँ, पहले काम स्टार्ट करते हैं। इस काम को यार फाइनल करना है, मुझे इस काम की टेंशन है बस। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, पानी में अपने परिंदों के लिए लेकर आ चुका हूँ। ताला खोलते हैं इनका, इनको बाहर निकालते हैं, इनके बर्तन अच्छे से धोते हैं, इनको पानी डालते हैं। और मेरे भाई के काम देखें, ऊपर चढ़ चुका है, कबूतरों को उड़ा रहा है। नॉर्मल सी छत डाली हुई है मैंने, ये देखें ये हमारे कबूतर उड़ रहे हैं, थोले से उड़ाए हैं अभी, बाकी के बंद हुए पड़े हैं। ये देखें, वजह सिर्फ ये होती है कि इनको हम क्यों नहीं उड़ाते, ये ना उनको भी ख़राब करते हैं। ये लंबी उड़ानी पर जाते हैं, इतना दूर चले जाते हैं ना कि नज़र भी नहीं आते। ये देखें, सबसे पहले इन्होंने पानी पीना स्टार्ट कर दिया। यहाँ से ये पानी गंदा हुआ पड़ा, ये पानी भी बदलते हैं। और यहाँ पर इनके लिए दाना पड़ा हुआ, ये खा रहे हैं दाना। बाकी इस मुर्गी को भी निकाल देते हैं बाहर। ये देखें, इसका दरवाज़ा लगा हुआ था, इसको मैं अलहदा बंद करता हूँ ना। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बाकी हमारे असील चूजे यहाँ पर बंद है, उनको भी निकालते हैं। दरवाजे से अंदर जाना होगा। और अब मज़ा आता है कि यार अलग अलग से पोर्शन में जाना पड़ता है ना, तो मज़ा ही और है। आ जाओ भाई, ये देखें अब मज़े से तो रह रहे हैं ना हमारे परिंदे अपनी अपनी जगह पर। ये देखें, अब इनकी लड़ाई भी नहीं होती, सुकून होता है भाई। वो देखें, असील तो चले गए हैं नीचे, बाकी के ये यहाँ पर घूमेंगे फिरेंगे। और यहाँ पर सपोर्टें लगानी होगी कि ईंट रख के ना मट्टी डाल देंगे। क्या हो गया भाई? कबूतरों को निकाल दिया और इनको दाना पानी करना होगा। खैर आप जल्दी जल्दी से सामान बाहर निकालते हैं, अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो ये फ्रेम मुकम्मल तौर पर बन चुका है, इसके ऊपर अब जाली लगानी है। तो जाली दोपहर को आके लगाएंगे, अभी दोस्तों सुबह का टाइम है, नाश्ता करते हैं और दुकान पर चलते हैं। मैं कल भी नहीं गया था दुकान पर, तो आज चलते हैं यार, दोपहर को वापस आके काम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और अपने परिंदों को अभी तक मैंने पानी नहीं डाला था, पानी डाल देते हैं। चूज़ों वाले केज में मैंने डाल दिया, बाकी मास्टर केज में चलते हैं पानी लेकर। चलो 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 चलो, ये चले गए जी माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब करते हैं जी सुबह का नाश्ता। सुबह के नाश्ते में है जी भिंडी का सालन, माशाल्लाह बहुत प्यारा सालन है। जिस भाई को खाना है तो आ जाएं। तो वेलकम बैक भाई साहब, दोपहर का 1 बज रहा है, दोपहर भी सामान लेकर चलते हैं दोस्तों नीचे, उस सामान को रेडी करते हैं जो ऊपर छत पर। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, काफ़ी धूप है, तो इसी वजह से दोस्तों नीचे लेकर चलना होगा। देखें कितनी ज़्यादा धूप है यार, तेज़ धूप है, दोपहर का 1 बज चुका है, तो आपके सामने ही है धूप। सामान लेकर चलते हैं नीचे, छांव वाली जगह पर बैठ के काम स्टार्ट करते हैं।
तो सामान मैंने नीचे ले लिया है, ये देखें सारा सामान मैं नीचे लेकर आ गया हूँ। फ्रेम पड़ा हुआ है, जाली आ गई है, ये थोड़ी और ये किल वगैरह पड़े हुए हैं। अभी जल्दी जल्दी से काम स्टार्ट करते हैं। कैमरा मैं बंद कर देता हूँ, बाद में जब बन जाएगा तो आप सबको दिखाएंगे और ऊपर छत पर चलेंगे, आगे के रूटीन शेयर करेंगे। तो दोपहर का खाना खाने के लिए आया था, दोपहर का खाना मैंने खा लिया है, बाकी काम थोड़ा सा मैंने कर लिया है। आप सबको दिखाते हैं चल के कि मैंने कितना काम किया है। ये देखें जी इतना काम हुआ है, बाकी मेरा भतीजा लगा पड़ा है, ये खाली खाम खा ऐसे लगा पड़ा है। जाली अच्छे तरीके से लग चुकी है यहाँ पर, बाकी ना दरवाजे का फ्रेम बन रहा है, ये देखें इसको काटना होगा। ये भी मैंने बना लिया था, मैंने सोचा पहले खाना खा लेते हैं दोपहर का, बाद में आके काम स्टार्ट करेंगे। दरवाज़ा बन के रेडी हो चुका है, ये छोटी सी दहली माशाल्लाह, तो इसको गोले वगैरह भी मैंने लगा दिया, जाली भी लग चुकी है। हम लेकर चलते हैं ऊपर, इनको ना सेट करते हैं। ये देखें कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह, कि यहाँ पर देखें बच्चे तो लगे पड़े हैं अपने अपने कामों में। तो माशाल्लाह दरी यहाँ पर लग चुकी है, ये देखें अच्छे से काम कर रही है। ये देखें कब्जे वगैरह मैंने लगा दिए हैं, ये देखें माशाल्लाह। अब लेकर चलते हैं इसको ऊपर। तो यहाँ पर माशाल्लाह फ्रेम भी लग चुका है और डाइट भी आ गई हमारे परिंदों के लिए, चूज़ों को डालते हैं माशाल्लाह, एक साथ खा रहे हैं। बाकी दोस्तों ये देख सकते हैं सारा पसीना है, क्या करें यार गर्मी इतनी है ना, फिर इतना काम करना पड़ा है मुझे, काफ़ी गर्मी है यार। माशाल्लाह दोस्तों जो केज मैं बनाना चाहता था पोर्शन केज, एक ये बन गया है, एक ये बन गया है, एक ये सेंटर में खाली जगह है। दोस्तों देख सकते हैं कितना प्यारा हो गया है, पानी वगैरह भी मैंने छिड़काव कर दिया है और सफाई मैंने अच्छे से कर दी है। ये देख सकते हैं कचरा बिल्कुल नहीं है, ये निकला पड़ा है सारा कचरा, और मेरी हालत कुछ ये बन गई है देख सकते हैं। तो बाकी कचरा उठाते हैं, बाहर फेंक कर आते हैं। आज वाला काम बहुत ज़्यादा था दोस्तों, वीडियो भी काफ़ी देर से आएगी आज की, तकरीबन टाइम हो गया है दोस्तों काम करते करते 4:50 हो चुके हैं, 4:30 वीडियो आती थी, काम करते करते टाइम कहां पर चला गया भाई। चलते अभी कचरा बाहर फेंक कर, कचरा बाहर फेंक दिया है, पानी कबूतरों के लिए ताज़ा मैं लेकर आ गया हूं। ये देखें बिल्कुल साफ़ और ठंडा पानी है। तो असल में दोस्तों आज का कंटेंट हमारा ये था कि आज हमने फिंच के अंडे चेक करने थे कि उनको मसला क्या है, बच्चे बन गए हैं निकल आए हैं, क्या वजह बनी है। दोस्तों 10-15 दिनों में जो है ना बच्चे निकल आते हैं, देखते हैं दोस्तों बच्चे निकले हैं अंडे ख़राब हो चुके हैं, क्या हाल सूरत है, चल कर शेयर करते हैं आप सबके साथ। ये देखें दोस्तों फिंच आ गए हैं यहाँ पर, मैंने अंडे यहाँ पर रख दिए हैं, तो फिंच पता नहीं क्या हरकतें कर रही हैं इनके साथ। तो बाकी अंडों को देखते ही जाना, आप सबको नज़र आएगा यहाँ पर देखते जाना। ये वाला अंडा बिल्कुल ख़राब हुआ पड़ा है दोस्तों, ये देखें बल्ब की तरह जल रहा है, ये देखें। बाकी इन दोनों को भी चेक करते हैं, ये तो कन्फर्म ख़राब हुआ पड़ा है बिल्कुल, ये भी बिल्कुल ख़राब हुआ पड़ा है दोस्तों, जल रहे हैं। ये सही है, इसमें कोई हलचल हो रही है ये देखें, लेकिन ये ख़राब हो चुके हैं सारे के सारे दोस्तों, टाइम काफ़ी हो चुका है। ये देखें दोस्तों, ओए ओए ये क्या हुआ पड़ा है दोस्तों, ये देखें यार इसमें ना बिल्कुल कोई चीज़ भी नहीं बनी हुई, बनी हुई है तो ये देखें ना बिल्कुल सूखी हुई है, ये देखें जैसे कोई बिस्किट वगैरह होता है, ये देखें इसमें भी कुछ नहीं था, खाली है भाई बिल्कुल, क्या वजह पता नहीं बनी है इनके साथ। वजह दोस्तों ये ही होगी, गर्मी की वजह है बस, और कोई वजह नहीं, या बनते हैं तो उनकी प्रोसेस स्टार्ट होते ही ख़त्म हो जाती है। बाकी यहाँ पर कबूतरों को दाना भी डाल दिया है, पानी भी इनको डाल दिया था, और यहाँ पर भी चूज़े मैंने शिफ्ट कर दिया, ये देखिए मज़े से सो रहे हैं। हमारे असील चूज़े यहाँ पर हैं, गोल्डन चूज़े यहाँ पर हैं, और क्यूनाफॉल के चिक्स यहाँ पर बंद हैं। बाकी इस केज की भी सफाई करनी है, इसमें छिड़काव भी कर देंगे पानी का, ईंटें भी लगानी है दोस्तों, एक साइड पर मट्टी, एक साइड पर जगह साफ़ होगी दाना पानी करने के लिए। तो कमेंट करके ये सब ज़रूर बताइएगा कि आज के ये हमारे पोर्शन केज कैसे लगे आप सबको, मेरी मेहनत इतनी सारी कैसी लगी आप सबको। तो काफ़ी गर्मी हो रही है दोस्तों, चलते हैं नीचे नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, काफ़ी गर्मी लगी है दोस्त, इतना सा काम था लेकिन इतना हो गया है बस यार, पता नहीं क्या वजह बनती है, थोड़ा थोड़ा सा करते करते ना बहुत हो जाता है। तो वजह ये है दोस्तों कि आज वीडियो मैं जल्दी नहीं डाल पाया, 4:30 डालता हूँ, बट क्या करें टाइम काफ़ी हो गया है आज,
5:30 हो गए हैं दोस्तों। अभी वीडियो को एडिट भी करना है, एक्सपोर्ट भी करना है, आप सब तक भी पहुंचानी है। 7:30 बजे आ जाएगी आज इंशाल्लाह। फुल कोशिश करनी होगी तब जाके आप सबके पास पहुंचेगी 7:30 बजे वीडियो की। काफ़ी मज़े की होगी आज की वीडियो भी, काफ़ी मेहनत की है। तो खैर इस सामान की भी आज से जान छूटी, यहाँ पर रख देते हैं मास्टर केज में, जहाँ जहाँ पर सामान रखना होता है वहीं पर रखते हैं। बाकी माशाल्लाह से काम आज हमारा कम्प्लीट हो गया है, आगे से सिर्फ वीडियो बनाया करेंगे हम आके, तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी दोस्तों। काफ़ी थक चुका हूँ आज भाई। सामान मैंने दोस्तों अंदर रख दिया है, जो जो मुझे अंदर रखना था। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कचरा बना पड़ा है, यहाँ पर भी कचरा बना पड़ा है, तो सुबह सफाई करेंगे दोस्तों या शाम को सफाई करेंगे। तो खैर यार मोबाइल का टेम्परेचर भी लो हो रहा है और मेरा टेम्परेचर भी लो हो रहा है यार, क्या करें, गर्मी काफ़ी है ना, तो गर्मी की वजह से बुरा हाल है, क्या करें। खैर इसके साथ साथ आप सब दोस्तों से ज़्यादा चाहेंगे, खैर ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा और साथ में हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फ्रेश वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।